पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों में बेहतर होंगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया है कि 3 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान पटना सहित सभी जिलों में गरज तड़क के साथ अच्छी वर्षा होने की संभावना है। गुरुवार को पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में बादलों की आवाजाही बने रहने के कारण छिटपुट वर्षा के आसार हैं, जबकि प्रदेश के 16 जिलों में हल्की वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने के कारण तराई वाले इलाकों में मध्यम दर्जे की वर्षा के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी भागों के अधिसंख्यक जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम चंपारण के रामनगर में 142.0 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को दिन में तेज धूप के कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। वहीं शाम होते ही पटना और आसपास इलाकों में काले बादल छाए रहने के साथ छिटपुट वर्षा और तेज हवा के प्रवाह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राजधानी में 2.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में 68.8 मिलीमीटर, रोहतास में 43.8 मिलीमीटर, अररिया के रानीगंज में 30 मिलीमीटर, फारबिसगंज में 28.6 मिलीमीटर, औरंगाबाद के बारुण में 25.3 मिलीमीटर, अररिया में 17.4 मिलीमीटर, रोहतास के इंद्रपुरी में 15.4 मिलीमीटर, सीतामढ़ी के सोनबरसा में 12 मिलीमीटर, रोहतास के नौहट्टा में 10.6 मिलीमीटर, औरंगाबाद के नवीनगर में 8.2 मिलीमीटर, सुपौल के निर्मली में 8.0 मिलीमीटर, सिवान के जीरादेई में 7.2 मिलीमीटर, पश्चिम चंपारण के बगहा में 7.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।